नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर इन दिनों चंबा शहर में पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे से बाजार में नजर रखी जा रही है और ज्यादा भीड़ बाजार में इकट्ठी ना हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि कोरोना काल में शहर में भीड़ इकट्ठी ना हो और कोरोना संकट से बचा जा सके। इस बारे जानकारी देते हुए एएसपी चंबा रमन शर्मा ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए बाजारों में भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए ड्रोन कैमरे की सहायता से लोगों पर नजर रखी जा रही है। वहीं उन्होंने इस दौरान मास्क का प्रयोग करने की बात कही है, नहीं तो ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार पटाखों को चलाने की समय अवधि 8 से 10 बजे तक सिर्फ 2 घंटे ही रखा गया है और अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो चंबा के सभी निवासियों को जिला पुलिस चंबा की तरफ से बहुत बहुत दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबके लिए ये दीपावली हर वर्ष की तरह ढेर सारी खुशियां लेके आए। इस मौके पे मैं कुछ लोगों से अपील करना चाहता हूं और कुछ एक चीज़ें उनको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो फायर क्रैकर्स हैं, जो पटाखे चलाने का टाइम निश्चित किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक का है, तो उसके बीच में ही पटाखे चलाएं और प्रदूषण का ध्यान रखते हुए कम से कम पटाखे चलाएं। यदि कोई इसके बाद पटाखे चलाता है तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाज़ारों में बहुत भीड़ है और कोरोना का जो संकट है अभी फुल स्विंग पे है, इसलिए मार्केट में जब भी आएँ मास्क पहन के आएँ, हाथों को प्रॉपरली सैनिटाइज करें और बिना मास्क के जो मार्केट में पब्लिक प्लेस में घूमता हुआ पाया जाता है उसके अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई करेगी और जिसमें 500 रुपये तक का चलान हम उसका करेंगे। बाकी दीपावली पे अपने आसपास ध्यान रखें, कहीं फायर इंसिडेंट के चांसेस बहुत रहते हैं, तो थोड़ा सुरक्षित रहें और स्पेशली बच्चों का और जो पटाखे चलाते हैं उनका ध्यान रखें कि कहीं उसके कारण, पटाखों के कारण कहीं आग ना लग जाए। शराब पी के त्यौहार ना मनाएं, शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर रहेगी। अपने दीपावली को शुभ बनाएं। इस हम ड्रोन कैमरास के थ्रू भी मार्केट्स को सर्वेलेंस पे रख रहे हैं। जो पटाखे खुली बरगा जो पुलिस ग्राउंड है वहाँ पर ओपन शॉप्स हैं कल, आज और कल के लिए, तो वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो जुआ खेलते हैं लोग उससे भी परहेज़ करें, क्योंकि हमारी टीम्स जगह जगह पे एक्टिव रहेंगी, तो अगर ऐसा कोई मामला आया तो उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग टीम्स अलग अलग जगह पे नाका लगाएगी और यदि कोई पाया जाता है तो उसको हम अरेस्ट भी कर सकते हैं। अभी हमने पिछले वीक ही स्पेशल ड्राइव चलाया था जिसमें शराब पी के गाड़ी चलाने वालों और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग चलाने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया था।